नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति। आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीवाईक्यूएस की, और यूनिट नंबर आपका 9 है, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। ओके, तो बने रहिए वीडियो के साथ। और आज हम ओनली 2021 के पीवाईक्यूएस करेंगे, थोड़े थोड़े करके आपको मतलब पीवाईक्यूएस करवा देंगे, ताकि आपको भी पता चल जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो चलिए बने रहिए वीडियो के साथ। ओके, छोटी सी इंफॉर्मेशन है, जो बच्चे यूएस नेट पेपर वन की प्रिपरेशन कर रहे हैं हिंदी इंग्लिश मीडियम से, या तो फिर जो लोग जी सेट की गुजराती मीडियम से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए हमारी यूट्यूब चैनल का नाम है आरती प्रजापति। और जो बच्चे साइकोलॉजी के हैं, तो साइकोलॉजी वालों के लिए हमारी यूट्यूब चैनल का नाम है स्टडी ऑफ साइकोलॉजी, जहाँ पर आपको यूजीसी नेट पेपर टू की प्रिपेरेशन करवाई जा रही है साइकोलॉजी सब्जेक्ट की। ओके, तो चलिए दोस्तों, अब की बार नेट जा रहे पार। ओके, जिन बच्चों का नेट हो चुका है और जेआरएफ का सपना है, उनके लिए अलग से लाइन होती है हमारी ओर से। और क्या लाइन है? अब की बार जेआरएफ पार। ओके, और मेरी ओर से एक नई लाइन आप लोगों के लिए, क्या है भाई? दम लगा के हईसा। ओके, चलिए तो स्टार्ट करें, और आप लोग रेडी हो लाइव चैट में, जो भी बच्चे जुड़े हैं, सारे के सारे बच्चे थम्स अप दे दीजिए, ढेर सारे थम्स अप दे दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग रेडी हो पीवाईक्यूएस करने के लिए। ओके, वैसे तो रात को हमारी क्विज जो मतलब ग्रुप में होती है, लेकिन अब थोड़े दिन नहीं हो पाएगी। ओके, तो उसकी जगह पर हम अब यहाँ पर पीवाईक्यूएस करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं आप लोगों की कितनी प्रिपेरेशन रही है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। ओके, पहला क्वेश्चन कह रहा है, जैव विविधता अभिसमय पर किसके दौरान हस्ताक्षर किया गया था? चलिए, बायोडायवर्सिटी की बारे में बात हो रही है, कि बायोडायवर्सिटी कन्वेंशन जो था, उसका मतलब कौन से टाइम पे सिग्नेचर किए गए थे, साइन किया गया था? चलिए, ऑप्शन है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, अर्थ समिट एट रियो दी जानेरो, और क्योटो प्रोटोकॉल, ह्यूमन एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस स्टॉकहोम 1972। ओके, और हाँ, इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए आपको वीडियो चाहिए, तो क्योटो प्रोटोकॉल और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये दोनों के दोनों हमने करवाए हुए हैं, और सोलर अलायंस वाले भी हमने करवाए हैं, एसटीजीएस, एमडीजीएस, जो पुरानी क्लासेस है वो आप लोग देखिए, बिकॉज अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम आपको सारी की सारी एक ही महीने में सारी की सारी प्रिपरेशन करवा दें। तो पुराने वीडियोस आप लोग प्लीज देखिएगा एनवायरनमेंट की, मैंने वहां पर बहुत ही डिटेल में पढ़ाया हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि उसके अंदर कुछ ज्यादा ऐड करने वाला है। ओके, आई थिंक COP26 है, वो ही ऐड करना है, तो वो हम कर देंगे। ओके, चले तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा बताओ बच्चों, फटाफट आंसर करना है। ओके, तो यहाँ पर आंसर आएगा आपका, सेकंड इज द करेक्ट आंसर, अर्थ समिट एट रियो दी जानेरो 1992 में जो हुआ था, तो उसी टाइम पे बायोडायवर्सिटी कन्वेंशन के अंदर ये हस्ताक्षर हुआ था। ओके, क्लियर, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और यहाँ पर देखिए, ये सारी की सारी चीजें मैंने कहाँ पर पढ़ाई हुई है, क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर ये चीज आ जाएगी। ओके, और स्टॉकहोम की भी वहां पर बात हो जाएगी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का अलग से वीडियो है, वो भी आप देख लेना। क्लियर, चलिए, और यूट्यूब पर जाओगे ना, तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी एनवायरनमेंट की जो प्लेलिस्ट है, वो मिल जाएगी, यूजीसी नेट लिखा हुआ होगा, तो उसको ही देखना। ओके, चलिए, ओके, ओके, वेट, चलो क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू है आपका, स्टेटमेंट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट है, उसका आंसर आपको करना है, कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है ये बताना है। तो आराम से पढ़िए स्टेटमेंट को। स्टेटमेंट वन कह रहा है, जलमय के वायवीय अवशोषण के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ओके, जिनको यहाँ पर हिंदी में समझ नहीं आ रहा है, तो उनके लिए इंग्लिश में भी यहाँ पर लिखा हुआ है। चले, उसके बाद देखो, कथन नंबर टू है, जलमय के वायवीय अवशोषण से अत्यधिक मात्रा में मिथेन पैदा होता है। चलिए, इसका आंसर करिए सब लोग, क्या आंसर आएगा बताइए, देखते हैं कितने बच्चों ने कितनी प्रिपरेशन कर रखी है। ओके, चलिए फटाफट आंसर करना है। ओके, चलिए तो आंसर को देखते हैं, क्या है आंसर। ओके, थर्ड इज द करेक्ट आंसर है, स्टेटमेंट वन है वो आपका करेक्ट है। ओके, जलमय के
वायवीय अवशोषण के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ओके। लेकिन सेकंड नंबर का जो स्टेटमेंट है वो आपका इनकरेक्ट है, जहां पर लिखा हुआ है कि जल में के वायवीय अवशोषण से क्या होता है, अत्यधिक मात्रा में मीथेन पैदा होता है, ये गलत है, ओके। तो यहाँ पर थर्ड इज द करेक्ट आंसर, जिन बच्चों ने थर्ड आंसर किया है उनको बहुत बहुत बधाई हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री कह रहा है, अजर्सन निशन है, अजर्सन कह रहा है कि ओजोन का सतही स्तर पर सकेंद्रण रात में घट जाता है, ओके। रात के टाइम पे क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, ओके। उसके बाद ये रीजन बता रहा है, क्योंकि पराबैंगनी विकिरण ओजोन का अन्य घटकों में प्रकाश अपघटन करता है। चलिए यहाँ पर अजर्सन और रीजन है दोनों के साथ में, मतलब देखना है कि क्या अजर्सन सही है, रीजन सही है। अगर दोनों सही है तो क्या रीजन है वो अजर्सन का मतलब कि एक्सप्लेनेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ओके, ये आपको बताना है। चलिए आंसर करिए फटाफट। ओके चलिए तो आंसर को देखते हैं, आई होप आप लोगों ने आंसर कर दिए होंगे। चलो तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा सेकंड इज द करेक्ट आंसर, कि दोनों के दोनों पहले तो सही है, ओके। ओजोन का जो सतही स्तर होता है, मतलब कि ग्राउंड लेवल जो होता है ना, उसका जो उस पर जो सकेंद्रण है वो रात के टाइम पे क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ओके। और ये सही बात है। और फिर रीजन को देखते हैं कि जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होती है वो ओजोन का अन्य घटकों में प्रकाश अपघटन करता है, ओके, ये भी सही है, ओके। लेकिन इन दोनों के बीच में कोई तालमेल नहीं है, ओके। इसका ये जो रात के टाइम में जो ओजोन का जो सतही स्तर होता है, ग्राउंड लेवल होता है, ओके, वो ग्राउंड लेवल पर जो संकेंद्रण होता है वो कम हो जाता है, उसका कारण ये नहीं है कि भाई अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो है वो ओजन के अन्य घटकों में प्रकाश का अपघटन करता है, ओके। तो इसीलिए दोनों के दोनों सही है, लेकिन आर जो है ना, रीजन जो है ना, वो अजर्सन की एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर लगाओ। क्वेश्चन नंबर फोर कह रहा है आपको कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल से क्वेश्चन है, ओके, एमडीजीएस, ओके। तो सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य एमडीजी के लक्ष्य नंबर 7 के लक्ष्य है। देखो पहले क्या हुआ करता था, 2020 के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए ना, उनके अंदर ओनली आपको लक्ष्य के नाम ही पूछे गए थे, लेकिन इस बार क्या किया है कि लक्ष्य के अंदर क्या डिटेल्स है वो भी पूछी गई है, ओके। तो इसी तरीके से आपको डिटेल्स में पढ़ना है, ओके। वैसे मैंने क्या बोलते हैं, एमडीजीएस के लक्ष्य जो है ना उसको डिटेल्स में पढ़ाया हुआ है, ओके। पुरानी क्लासेस को देख लेना, उसके अंदर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के एमसीक्यू के नाम से एक वीडियो आपको मिल जाएगा, उसके अंदर पहले मैंने थियोरी पढ़ा ली है, सारे के सारे गोल्स है उसको डिटेल्स में पढ़ाए हुए कि जैसे कि मान लो गोल नंबर 7 है, तो उसके अंदर भी कितने उसके इंडिकेटेड है वो सारे के सारे पढ़ाए हुए, और उसके बाद एमसीक्यू बनाकर भी वहां पर साथ में करवाए हुए, ओके। तो वो वीडियो जरूर देख लेना। चले तो यहाँ पर देखो, लक्ष्य नंबर 7 के लक्ष्य कौन कौन से हैं, मतलब कि गोल नंबर 7 है ना उसके भी लक्ष्य क्या हैं, ये पूछे गए, ओके। तो यहाँ पर देखो, कंट्रोल ग्लोबल वार्मिंग, बी है यूनिवर्सल एक्सेस टू मॉडर्न एनर्जी, सी है इंक्रीज ग्लोबल परसेंटेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, डी है मिटिगेटिंग एयर पॉल्यूशन, ओके, मतलब कि जो वायु प्रदूषण है उसको कम करना, डबल द इम्पावरमेंट एनर्जी एफिशिएंसी, ऊर्जा क्षमता को दोगुना करना। चले क्या आंसर आएगा बताइए सब लोग। देखो मैंने पहले भी कहा है, एमडीजीएस गोल एंड एसडीजीएस गोल है ना, उसको डिटेल्स में तैयार करना है, ओके। ऐसे ही नहीं सिर्फ 7, मान लो कि जितने भी 8 या जो भी गोल्स है, ओके, तो उसको मतलब तैयार करके खत्म हो गए ऐसा नहीं है, ओके। उसके अंदर क्या डिटेल्स है वो भी आपको पता होनी चाहिए, उसके अंदर कौन कौन से लक्ष्य है, ओके। चलो तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा आपका, ओके, थर्ड इज द करेक्ट आंसर है, जहां पर बात हुई आधुनिक ऊर्जा तक सबकी पहुंच करना, ओके, यूनिवर्सल एक्सेस टू मॉडर्न एनर्जी, गोल नंबर 7 की बात हो रही है, ये याद रखना है, गोल नंबर 7, ओके। वैसे भी एक गोल नंबर 3 मैंने अभी अभी जस्ट वर्ल्ड हेल्थ डे था ना उसी के अंदर मैंने डिटेल्स में वहां पर भी पढ़ा दिया है। तो ऐसे ऐसे वीडियो जो अलग अलग से होते हैं, अलग अलग गोल होते हैं उसके रिलेटेड,
जो जो मतलब कि प्रोग्राम होते रहते हैं, ओके, जो डे मनाए जाते हैं, तो उसी के अंदर मैंने जिस तरीके से पढ़ाया है उसको भी पढ़ना है, ओके। तो गोल नंबर 3, जस्ट अभी अभी मैंने वर्ल्ड हेल्थ डे थे उस टाइम पूरा का पूरा पढ़ा लिया है, ओके, डिटेल्स में पढ़ा लिया है, तो उसको भी देख लेना, ओके। चले फिर, ओके, यूनिवर्सल एक्सेस टू मॉडर्न एनर्जी, उसके बाद है सी, इंक्रीज ग्लोबल परसेंटेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब कि नवीनीकरणीय ऊर्जा की वैश्विक प्रतिशतता में क्या करना है, वृद्धि करना है, और ई जो है वो आपका क्या है, ऊर्जा क्षमता को क्या करना है, दुगुना करना है, ओके। इम्पावरमेंट एनर्जी एफिशिएंसी है उसको मतलब डबल करके इम्पावरमेंट करना है, मतलब कि उसको इम्प्रूव करना है, ओके। चलो, तो यहाँ पर थर्ड इज द करेक्ट आंसर, जिन बच्चों ने थर्ड आंसर लगाया था उनको बहुत बहुत बधाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है सोलर वाटर स्टील की बात हो रही है कि क्या है सोलर वाटर स्टील, क्या है बताइए। ऑप्शन है आपके सामने, सौर ऊर्जा का उपयोग करते हुए जल भरण के लिए यंत्र, सौर ऊर्जा का उपयोग करते हुए लवणयुक्त जल को पेय जल में परिणित करने का यंत्र, ओके। उसके बाद है देखो, सौर ऊर्जा का उपयोग करते हुए पानी को गर्म करने के लिए प्रयुक्त यंत्र, और फोर्थ नंबर है सौर ऊर्जा का उपयोग करते हुए बिजली पैदा करने का यंत्र। चलिए कौन सा आंसर आएगा बताओ, सोलर वाटर स्टील की बात हो रही है, क्या है ये बताना है, ओके। जल्दी करें, फटाफट करना है, ओके, आंसर फटाफट देना है सभी बच्चे को। जो भी बच्चे लाइव चैट में जुड़े हैं ना, वो बच्चे फटाफट आंसर करेंगे, और जो बच्चे बाद में देख रहे हैं, मतलब कि जिनको टाइम नहीं होता है, ओके, बाद में देखते हैं, तो वो लोग भी अपने नोट के अंदर नोट करते रहना है और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। चलिए, तो यहाँ पर आंसर आपका आएगा, सेकंड इज द करेक्ट आंसर, कन्वर्ट सैलिन वाटर टू पोर्टेबल वाटर यूजिंग सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा का उपयोग करते हुए लवणयुक्त जल को पेय जल में परिणित करने का यंत्र है, ओके। सौर ऊर्जा का उपयोग करके हम क्या करते हैं, जो भी लवणयुक्त जो भी जल होता है, ओके, उसको क्या करना है, पेय जल में परिणित, मतलब कि उसको वहां पर उसको कन्वर्ट करना है, ओके। पेय जल के अंदर क्या करना है, उसको कन्वर्ट करना है, क्लियर। तो यहाँ पर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक जलाशय में सुपोषण के फलस्वरूप, अब देखो यहाँ पर आपको क्या क्वेश्चन में दिया गया है कि एक जलाशय होता है उसमें सुपोषण के फलस्वरूप क्या होगा, ओके। शैवाल काफी उत्पन्न होते हैं, मतलब ब्लूम ऑफ अल्जे अलगेया, ओके। उसके बाद है घुले हुए ऑक्सीजन स्तर में वृद्धि होती है, ओके। यहाँ पर ये सी वाला है, उसको नीचे लाना भूल गई, ओके। तो यहाँ पर ध्यान देना, ओके, ये सी है। सी कह रहा है जलाशय में गंदलापन तथा उसकी गंध के स्तर में वृद्धि होती है। फिर डी कह रहा है कि सामान्य जल जीव के संपोषण में कठिनाई होती है। ई कह रहा है पोषक तत्व में कमी हो जाती है। चलिए बताइए इसका आंसर करिए सब लोग, क्या आंसर आएगा। फटाफट आंसर करना है, ओके, बिकॉज आपके पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा, ओके। टाइम भी तो मैनेज करना पड़ता है ना एग्जाम में। चलिए आंसर करिए फटाफट, ओके। चलिए देखते हैं क्या होता है आंसर, ओके। ए, सी और डी ओनली। तो देखो पहला तो क्या है, जलाशय में सुपोषण के फलस्वरूप क्या होगा, कि शैवाल काफी उत्पन्न होते हैं, ओके। उसके बाद है जलाशय में गंदलापन तथा उसकी गंध के स्तर में भी वृद्धि होती है, ओके। और उसके बाद देखो सामान्य जल जीव के संपोषण में कठिनाई होती है, क्लियर। तो यहाँ पर आपको ये तीनों के तीनों याद रखने हैं। चले, तो यहाँ पर थर्ड इज द करेक्ट आंसर, जिन बच्चों ने थर्ड आंसर किया है उनको बहुत बहुत बधाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 लगाओ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि पृथ्वी की जलवायु को सकारात्मक विकिरणीय बल प्रदान करने अथवा गर्म होने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है, ओके। मतलब कौन जिम्मेदार है कि पृथ्वी की जो जलवायु है उसको सकारात्मक विकिरणीय बल प्रदान करने अथवा तो उसको गर्म होने के संबंध में, ओके। चले कौन उत्तरदायी है इसके लिए, कौन जिम्मेदार बताइए। ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन, या फिर सल्फेट एरोसोल और सल्फर डाइऑक्साइड, कौन जिम्मेदार है बताओ भाई।
आंसर करो फटाफट। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। ओके, लाइक कौन करेगा? मैं करूंगी, मुझसे तो एक ही लाइक होगा ना। तो आप लोगों को ही लाइक करना पड़ेगा। मान लो कि मैं तो लाइक करूंगी तो एक ही लाइक होगी ना, बाकी की लाइक आपको करने हैं। ओके, और शेयर भी करना है अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनके भी एग्जाम के टाइम पे, लास्ट टाइम पे हेल्प हो जाए। ओके, चलो आंसर देखिए, देखना है आंसर। चलो जी बता देते हैं, तो यहाँ पर आंसर आएगा ट्रोपोस्फेरिक ओजोन आएगा। ओके, याद रखना है, पृथ्वी की जो जलवायु को सकारात्मक विकिरणीय प्रबल प्रदान करने और उसको गर्म होने के संबंध में कौन जिम्मेदार है भाई? ट्रोपोस्फेरिक ओजोन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, स्टेटमेंट है स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। ओके, स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि मेथनॉल जो है, जिसे कास्ट अल्कोहल भी कहा जाता है, ओके, उसको वुड अल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है, उसका ऑक्टेन निर्धारण गैसोलीन की तुलना में काफी अधिक होता है। ओके, तो मतलब कि मेथनॉल जो है, उसका जो भी ऑक्टेन निर्धारण होता है, ऑक्टेन रेटिंग होता है, वो क्या होता है? गैसोलीन से हायर रहता है। ओके, ज्यादा रहता है। ओके, उसके बाद स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि मेथनॉल गैसोलीन अथवा डीजल की तुलना में अधिक उच्च लो तापक्रम के साथ जलता है, और इस प्रकार ये एनओएक्स को अधिक मात्रा में उत्पन्न करता है। चलिए आंसर करिए, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है, बताइए फटाफट आंसर करना है। ओके, जितना आप लेट करोगे ना, उतना मतलब वीडियो लंबा बन जाएगा। ओके, चलिए बता दे आंसर को। चलिए तो देख देख लेते हैं आंसर को। आंसर है, पहला वाला स्टेटमेंट आपका सही है बिल्कुल, और सेकंड वाला क्या है? गलत है। ओके, पहला वाला क्या कह रहा है कि मेथनॉल, जिसे कास्ट अल्कोहल मतलब कि वुड अल्कोहल भी कहा जाता है, जो क्या करता है, ऑक्टेन रेटिंग होते हैं ना, उसको निर्धारण मतलब गैसोलीन की तुलना में काफी अधिक होता है। ओके, फिर सेकंड नंबर वाला कह रहा है कि मेथनॉल गैसोलीन अथवा डीजल की तुलना में क्या होता है? अधिक उच्च लो तापक्रम के साथ जलता है, और इस प्रकार ये एनओएक्स को अधिक मात्रा में उत्पन्न करता है। तो ये वाला आपका गलत है। ओके, तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। जिन बच्चों ने थर्ड आंसर किया है उनको बहुत बहुत बधाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करो भाई। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA, ओके, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, डायरेक्टली आंसर मतलब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि NDMA का फुल फॉर्म बताइए। तो NDMA का फुल फॉर्म क्या आएगा? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ओके, उनका कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? चलिए बताइए, एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है? NDMA के एग्जीक्यूटिव हेड कौन होते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, या फिर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, या फिर अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। चलिए आंसर करिए फटाफट इसका। चलो भाई फटाफट आंसर करो, और कल आपकी फैलेसी हो जाएगी, इनफॉर्मल फैलेसी। ओके, आज अगर पॉसिबल होगा तो फॉर्मल फैलेसी थोड़ी सी रह गई है, तो उसको कंप्लीट करवा देंगे रात को। ओके, उसके कोई मतलब वो क्वेश्चन ढूंढने नहीं बैठूंगी, लेकिन थियोरी आपको पढ़ा दूंगी, ताकि एग्जाम के अंदर अगर थियोरी में से क्वेश्चन आएगा तो आपको मतलब क्या है, दिक्कतें नहीं आएगी। ओके, और इनफॉर्मल फैलेसी है वो PYQS के साथ कल करवाएंगे। ओके, चले तो इसका आंसर देखते हैं। ओके, इसका आंसर है सेकंड, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ओके, तो याद रखना है NDMA। ओके, NDMA का कार्यकारी अध्यक्ष मतलब एग्जीक्यूटिव हेड कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, मुक्त शेष जल, जिसको वेस्ट वाटर के प्राथमिक उपचार में किसे हराया जाता है, बताओ भाई। चलो वेस्ट वाटर होता है ना, वेस्ट वाटर में प्राइमरी ट्रीटमेंट में किसे हराया जाता है, मतलब किसको रिमूवल किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन है सॉलिड, कोलोइड, पेस्ट,
फिर ऑर्गेनिक वाटर और माइक्रो जैनिस बताइए। चलो क्या आंसर आएगा बताओ। ओके चलिए आंसर देख लेते हैं, रेडी? ओके चलो, तो यहाँ पर आंसर आएगा सॉलिड। क्या आएगा? सॉलिड्स मतलब ठोस, जो पदार्थ होते हैं ना, ठोस होते हैं वो। ठोस मतलब पता है ना, क्या बोलते हैं इसे, जैसे कि ठोस का मतलब देखो, अगर मैं यहाँ पर एक क्या है, कुछ पत्थर ले लेती, तो पत्थर क्या है? ठोस पदार्थ है। पत्थर क्या है? पत्थर ठोस पदार्थ है। ओके, जिसको कठिन बोलते हैं ना वैसे। ओके, तो यहाँ पर सॉलिड को हराया जाता है। क्लियर? चलो ओके, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, दो स्वतंत्र स्रोतों से सृजित 81 डेसिबल और 90 डेसिबल के ध्वनि स्तरों का परिणाम क्या होगा? 81 डेसिबल, ओके, डीबी जिसको बोला जाता है, और 90 डीबी, इनका मतलब इनके स्तरों का रिजल्ट क्या होगा बताओ। चलो भाई आंसर करो सब लोग। ओके चलिए देख लेते हैं आंसर को। ओके, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, 96 dB। क्या आएगा? 96 dB। ओके चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 लगाओ इसको। चलो भाई इसका आंसर करो। यहाँ पर जोड़ मिलाना है, क्योटो प्रोटोकॉल दिया है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता, अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन। ओके, और यहाँ पर आपका क्या है, ऑप्शन दिए हैं स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा, उसके बाद है स्वच्छ विकास तंत्र, राष्ट्रीय रूप से विनिश्चित योगदान, और क्लोरीन युक्त यौगिकों की चरणबद्ध समाप्ति। चलिए सारा कुछ पिछली मतलब पुरानी वीडियो में पढ़ाया हुआ है, बताओ भाई क्या आंसर आएगा। ओके चले देखते हैं आंसर को। तो यहाँ पर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, ओके, ए में जाएगा आपका। दो क्योटो प्रोटोकॉल क्या है कि स्वच्छ विकास तंत्र, ओके, क्लीन डेवलपमेंट मशीन की बात हो रही है। ओके, मशीन की बात हो रही है, क्लीन डेवलपमेंट की। ओके ओके चलिए, उसके बाद सेकंड में क्या आएगा? फोर्थ आएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। ओके, क्लोरीन युक्त यौगिकों की चरणबद्ध समाप्ति, ये वाली हो गई आपकी मॉन्ट्रियल में। सी हो गया आपका 3, पेरिस समझौता है, वो क्या है आपका? राष्ट्रीय रूप से विनिश्चित योगदान, मतलब नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। ओके, तो ये वाला गया यहाँ पर। और डी है वो आपका फर्स्ट नंबर है, अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन, तो वहां से यहाँ से ही आपको सोलर अलायंस से ही पता चल जाता था। ओके, एनर्जी की बात हो रही तो ओके, यही से पता चलता है कि सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा की बात की गई। ओके, तो यहाँ पर अगर आपको एक ही आता होता ना, ये फोर्थ वाला आता होता, तो अभी आपका आंसर सही हो जाता, बिकॉज देखो यहाँ पर एक ही में है, डी में वन है ना, तो यहाँ पर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट करो, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 स्टेटमेंट दिए हुए हैं दो। ओके, दोनों स्टेटमेंट को देखना है और कौन से करेक्ट है और कौन से इनकरेक्ट है बताना है। स्टेटमेंट वन कह रहा है कि सौर समतल प्लेट संग्राहक ग्रीन हाउस प्रभाव के सिद्धांत पर ही कार्य करती है। ओके, उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट है आपका, ब्लैक एब्जर्बर प्लेट से इंफ्रारेड विकिरण निकलता है। चलिए बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो सही है गलत है। चलिए आंसर देखिए, दिखाओ आंसर। ओके चलिए देखते हैं, तो यहाँ पर आंसर आएगा फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ओके, दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। ओके, सौर समतल प्लेट संग्राहक ग्रीन हाउस प्रभाव के सिद्धांत पर ही कार्य करते हैं, और ब्लैक एब्जॉर्बर जो है वो प्लेट रेडिएट इंफ्रारेड
रेडिएशंस होता है, मतलब कि उसके अंदर से निकलता है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 करो। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि विश्व के कुल जल प्रतिशत को निम्नांकित स्थानों की दृष्टि से अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब कि निकालना, डिक्रीज मूड में आपको बताना है। ओके, डिक्रीज का मतलब क्या होता है? बढ़ते से घटते क्रम में, बढ़ते से घटते क्रम में। ओके, बढ़ते से घटते क्रम में बताना है। चलिए, पहला है एटमोस्फियर, फिर है आपका रिवर्स एंड स्ट्रीम्स, ओके, ग्राउंड वाटर, लेक, झील, आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स, बताइए। चलिए इसका आंसर करो फटाफट। ओके, चलिए चलते हैं आंसर की ओर। ओके, तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर है आपका। सबसे पहले आपका आएगा हिमशीर्ष और हिम नदी आएगा। ओके, उसके बाद आपका आएगा भूजल आएगा, उसके बाद आपका आएगा फोर्थ नंबर ताजा पानी जो लेक होते हैं। ओके, और उसके बाद आपका क्या आएगा? वायुमंडल आएगा। फिफ्थ कौन सा? दो तीन, ये तीन नंबर। ओके, फोर्थ नंबर पर आएगा एटमोस्फियर और फिफ्थ नंबर पर आएगा नदियां और जलधारा। ओके, क्लियर? तो इस तरीके से इनको बढ़ते क्रम में हमने मतलब कि लगाया, डिक्रीज मोड में लगाया। ओके, तो इस तरीके से याद रखना था। क्लियर? तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब आज का लास्ट क्वेश्चन है। ओके, अच्छे से करना है और अपनी जो भी स्कोरिंग बने हैं वो भी मतलब कि कमेंट बॉक्स में बताना है कि कितने करेक्ट हुए आपके क्वेश्चन। ओके, चलिए अब देखो, वर्ष 2030 तक संधारणीय विकास लक्ष्य। अब देखो कैसे वर्ड दे दिए हैं, है ना, इसलिए कहती हूँ कि इंग्लिश वर्ड को याद रखो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात हो रही है और उसमें भी गोल नंबर 7 की बात हो रही है। उद्देश्य ऊर्जा दक्षता की वैश्विक दर में कितने गुणा की वृद्धि करना है। ओके, तो यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में गोल नंबर 7 का उद्देश्य जो है वो क्या है भाई? जो ऊर्जा की, जो एनर्जी की एफिशिएंसी है, ओके, उसको इम्प्रूवमेंट करना है। ओके, इम्प्रूवमेंट वो भी वैश्विक दर से। ओके, ग्लोबल रेट में कितना गुना मतलब इसको बढ़ाने की बात हुई है? चलिए बताइए, 2, 3, 4, 5 क्या आंसर आएगा बताओ भाई, फटाफट आंसर करना। देखो SDGs और MDGs बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको वो करने हैं। ओके, MDGs और SDGs मैन मैन गोल जो है ना वो मैंने अलग से करवाए हुए हैं, लेकिन गोल के अंदर भी गोल है। ओके, गोल के अंदर भी गोल। ओके, ऐसे ऐसे बनती ना जलेबी के अंदर भी जलेबी, है ना, ऐसे गोल के अंदर भी गोल है ना, वो मैंने MDGs के करवाए हुए हैं। ओके, मैं आज टेलीग्राम चैनल पर भी उसकी लिंक डाल देती हूँ। ओके, जिसके अंदर PYQS भी है प्लस थियोरी भी है। ओके, थियोरी के साथ PYQS करवाए ताकि आपको समझ आ जाए कि क्या है। ओके जी, तो इसी वजह से उसको जरूर देखना, और SDGs के नहीं करवाए तो शॉर्ट टर्म में करवा देंगे। ओके, चलिए आंसर को देखें। चलिए आंसर है आपका 2। ओके, 2 गुना वृद्धि करने की बात हुई है। तो याद रखना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 7 का एम्स क्या है भाई, कि 2030 तक जो भी एनर्जी एफिशिएंसी है, ओके, उसको उसके ग्लोबल रेट में कितना गुना वृद्धि करनी है, उसके ग्लोबल रेट के अंदर 2 गुना, ओके, 2 गुना क्या करनी है, वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया है। क्लियर? आई होप आज के क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। ओके, और आपको भी पता चला होगा कि किस टाइप के इस बार क्वेश्चन पूछे गए थे। ओके, तो चलिए दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर यू। और हाँ, जिनको थियोरी पढ़नी है ना वो पुरानी क्लासेस प्लीज देख लेना, क्योंकि मैं अगर PYQS के साथ आपको थियोरी अगेन पढ़ाने बैठूंगी ना, तो मतलब कि ये पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के क्वेश्चन तो क्या कोई भी क्वेश्चन नहीं करवा पाऊंगी। ओके, इसी वजह से आप लोग खुद से वहां पर पुरानी वाली वीडियोस देख लेना ताकि आपको डिटेल्स में समझ आ जाए। ओके, चले, बाय बाय, टेक केयर सबको, जय श्री कृष्णा।